वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल फिजिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पीसी या लैपटॉप में इंटेल एचडी ग्राफिक्स और इंटीग्रेटेड डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स होते हैं, उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो बायोस में जाके। इस वीडियो को लास्ट तक देख रही है ताकि आपके पीसी या लैपटॉप की स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली वीरेम इंक्रीज हो पाए। दोस्तों फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है वीरेम के रिलेटेड, तो आप चैनल पेज पर जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हो और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दूंगा, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपके पीसी या लैपटॉप में कौन से ग्राफिक्स है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स, एएमडी या एनवीडिया, कमेंट के जरूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले आपके पीसी या लैपटॉप को शट डाउन कर लेना है। मैं अभी कर लेता हूँ, देख सकते हो आप, यहाँ पर शट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर शट डाउन कर लिया, यहाँ पर शट डाउन हो रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर बूट मेन्यू ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके पीसी या लैपटॉप में बूट मेन्यू ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे बूट मेन्यू ओपन कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर बूट मेन्यू ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो आप। बूट मेन्यू ओपन करने के बाद आपको एडवांस में जाना है और ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर एंटर करके मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गया, देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो आप नीचे से सेकंड में है DVMT प्री एलोकेटेड, यहाँ पर 64 MB दिखा रहा है अभी। यहाँ पर नीचे देख सकते हो आप सेकंड में लास्ट से, यहाँ पर देख सकते हो अभी आप यहाँ पर 1 GB तक इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पर आपकी पीसी की वीरेम। आप यहाँ पर 1 GB तक इंक्रीज कर सकते हो आपके पीसी या लैपटॉप की वीरेम। यहाँ पर मैं यहाँ पर 512 अभी कर लेता हूँ। यहाँ पर 512 पर क्लिक करके आपको F10 की को प्रेस करना है। यहाँ पर इसे आपको चेंज नहीं करना है, इस साइज़ को, यहाँ पर इस साइज़ को 256 MB रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 256 रखना है और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है F10 से। फ्रेंड्स, तो आपको जितनी भी वीरेम इंक्रीज करनी है 1 GB तक, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर लेना है और यहाँ पर आपको F10 की को प्रेस कर लेना है और सेव कर लेना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेव यस कर लेना है आपको। यहाँ पर मैं अभी यस कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर F10 से सेव कर लेना है यस। और अभी यहाँ पर PC स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो लिपकेयर का मदरबोर्ड है मेरे PC में। यहाँ पर देख सकते हो बूट हो रहा है अभी। फ्रेंड्स, तो ऐसे ही VRAM के रिलेटेड न्यू मेथड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी PC स्टार्टअप हो गया है। यहाँ पर स्टार्ट अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पर अभी स्टार्ट हो ही गया है। वेलकम, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी VRAM चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एडवांस, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ है, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी यहाँ पर शो करेगी VRAM। और आपके PC या लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, इंटेल एचडी ग्राफिक्स और जो भी होगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, वो यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपने इंक्रीज की होगी वहाँ पर 512, तो यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी में दिखाई देगा। यहाँ पर आपके PC या लैपटॉप में यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी में यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी शो हो रही थी यहाँ पर VRAM। फ्रेंड्स, तो आपके PC या लैपटॉप की VRAM कम्प्लीटली इंक्रीज हो जाएगी ये मेथड यूज़ करके BIOS में जाके, तो कम्प्लीटली इंक्रीज हो जाएगी आपकी VRAM 100%। ये मेथड वर्क करेगा दोस्तों। अगर भी आपके VRAM इंक्रीज नहीं होती है तो बहुत सारे वीडियोस दिए हुए चैनल पर, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप वो वीडियोस के लिंक्स भी दे दूंगा। इंटेल HD ग्राफिक्स, AMD ग्राफिक्स, NVIDIA सभी की वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो वो वीडियोस को। यहाँ पर कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखिए कम्प्लीटली, तो आपकी VRAM इंक्रीज हो जाएगी 100%। फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ यहाँ पर इस चैनल पर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पर भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स VRAM इंक्रीज करने के बारे में लिखे हुए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली देख के VRAM इंक्रीज कर सकते हो आपके PC या लैपटॉप की। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिया होगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।